मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ के आह्वान पर व जिला कांग्रेस कमेटी सीहोर के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर बलबीर तोमर के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शमीम अहमद व पूर्व नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष किसान नेता राम प्रकाश चौधरी व कांग्रेस जनों द्वारा किसान क्रांति यात्रा अहमदपुर चौराहा से आज श्यामपुर नगर में पहुंची। इस अवसर पर यात्रा में शामिल सभी लोगों का सत्यनारायण भाटी, मोहम्मद हाजी, लतीफ भाई, जुगल किशोर पाटीदार, रामेश्वर दयाल महेश्वरी, बनी सिंह नेताजी, इलियास खान, खेमराज पाटिल वकील साहब, भवनलाल पाटिल लई कुरेशी, भैरोलाल पाटीदार, नंदता प्रसाद अहिरवार, पूर्व सरपंच अरविंद चौहान, प्रकाश ठाकुर, मांगीलाल जाट, राम नारायण शर्मा, मांगीलाल दांगी, सुरेश ठाकुर, शमशुद्दीन चित्तर खान, पूर्व सरपंच सदरुद्दीन, नंदकिशोर पाटिल, देवीलाल पाटीदार, रफीक मंसूरी, रफीक मेव, गणेश नागेश, अनीश भाई, गंगाराम भाटी इत्यादि ने किसान क्रांति पद यात्रियों का पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सत्यनारायण भाटी, राजीव गुजराती, कलीम पठान, प्रहलाद दास बरागी, अक्षत कांसट, शमीम अहमद व राम प्रकाश चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए शासन से मांगी कि किसानों की खराब हुई फसल का शीघ्र सर्वे करवाया जावे, गत वर्ष बीमा क्लेम शीघ्र किसानों के खेतों खाते में डाला जावे, एक वर्ष सभी बिजली के लिए बिल माफ किए जावे, 20,000 रुपये प्रति वर्ष एकड़ किसानों को मुआवजा राशि दी जावे, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य व तेल के दाम शीघ्र घटाकर महंगाई कम की जावे, किसानों के ऋण का एक वर्ष का ब्याज शासन द्वारा वहन किया जावे व ऋण वसूली एक वर्ष तक स्थगित की जावे, विद्युत विभाग द्वारा किसानों पर बनाए गए बिजली चोरी के झूठे प्रकरणों को समाप्त किया जावे। इस संदर्भ में दिनांक 22 सितंबर 2021 को किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में माननीय राज्यपाल के नाम का ज्ञापन SDM साहब सीहोर को सौंपा जाएगा। अंत में आभार प्रदर्शन युवा कांग्रेस नेता इल्तियास खान द्वारा किया गया। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार रवि पुष्पत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।